दिस इज रूपाली, आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट इन माई चैनल असेंशन ट्विन फ्लेम न्यू मून एनर्जी अपडेट। ट्विन फ्लेम न्यू मून एनर्जी रिसीव हो रही है जो मुझे अभी वीडियो बनाने के लिए फोर्स कर रहा है। आज की एनर्जी हैवी है जो डीएम डीएफ दोनों के लिए हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ साथ पर्जिंग हो सकती है, ऑल ऑफ अ सडन रोना आ सकता है। अलाउ योरसेल्फ टू सिट इन दिस स्टॉर्म्स ऑफ इमोशंस टू गेट मैक्सिमम रिलीफ। न जाने कितने क्वेश्चंस आते जाते रहेंगे अभी आपके माइंड में, उनको न तो आप इग्नोर कर पा रहे होंगे और न तो आंसर मिल पा रहा होगा। एज दिस इज वेरी चैलेंजिंग जर्नी, ये आग का दरिया है जहाँ डूब के जाना है। आज की एनर्जी इट इज रियली रियली ओवरवेलमिंग एंड इंटेंस। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जितना हो सके नेचर के पास जाएं। आप देख पाएंगे कितना दर्द सहकर मदर गाया, हमारी माँ धरती हमारी बोझ उठाती हैं। सूर्य चांद तारे हमें बिना किसी स्वार्थ के रोशनी और गर्माहट देते हैं। देखिए तो कितने सुंदर पंक्षी हमें ये बतलाते हैं कि जीवन में चाहे कितने ही दुख क्यों ना हो, हमें गुनगुनाते जाना है, कभी हारना नहीं है इन सभी मुश्किलों से। कलेक्टिव में डीएम डीएफ दोनों को ही टायर्डनेस, हाई इमोशनल रोलर कोस्टर फेस फील हो सकता है। अब तक आप अगर बैलेंस में थे, कंप्लीट बैलेंस में कई महीनों से थे, कई सालों से थे, तो भी हल्का सा शिफ्ट हुआ है आज की न्यू मून और उसके साथ ही साथ जो इक्विनक्स की जो 23 सितंबर को जो इक्विनक्स की जो एनर्जी जो एक पॉट जो शिफ्टिंग हुआ उससे उस फेज में इक्विनॉक्स के फेज में आप ये मत भूलिए यू आर इन अ जर्नी। सो कोई भी अगर शिफ्ट होता है, चाहे वो फुल मून, न्यू मून, इक्विनॉक्स या पोर्टल, कोई भी अगर ऐसा जो यूनिवर्सल शिफ्टिंग होता है उसमें आप पर इफेक्ट पड़ेगा ही। डोंट फॉरगेट यू आर इन अ जर्नी, सो एंजॉय द राइड। अब वो राइड चाहे कैसा भी हो, जब हम कोई किसी भी यात्रा में जाते हैं कैसा रहता है सफ़र, जब हम सफ़र में जाते हैं हमेशा क्या सफ़र सुहाना होता है, नहीं ना। कभी रास्ते में कभी कुछ पथरीले कंकड़ पत्थर भी मिल जाएंगे। अगर आप फ्लाइट में भी कभी गए हो उसमें भी आपने देखा होगा कि कभी क्लाउड से जब फ्लाइट जाती है तो एकदम कभी कुछ टाइम के लिए सांसें थम सी जाती हैं। कभी आप अगर ट्रेन में भी सफ़र किए हों, वहाँ पे भी जब ट्रेन रुकती है किसी ऐसे हॉल्ट लेती है किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा कुछ दिखता नहीं है, वहाँ पे भी उस वक्त भी एकदम अच्छा नहीं लगता, लगता है कि अब कब स्टार्ट हो ट्रेन, है ना। तो हम ये भी ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, हम एक सफ़र पर निकले हैं, तो ज़रूरी नहीं सफ़र हमेशा सुहावना ही हो और बिल्कुल सेम पेस में ही चले। आपको इसमें घबराना नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन कीजिए और हीलिंग करें। हार्ट चक्रा में पेन फील हो सकता है, 111, 111, 777, 222 ये सारे नंबर दिख सकते हैं आपको। थोड़ा बहुत स्किन इश्यूज हो सकता है। कलेक्टिव में ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स को हैवीनेस फील हो रही है, यहाँ तक कि जो इम्पैथ्स भी अगर मुझे कुछ आप लोगों में से जो सुन रहे हैं और हम सब भी, हम सबको भी आप लोगों की एनर्जी पिक होती है इसलिए हम सबको हैवीनेस फील हो रही है इक्विनॉक्स की वजह से। और ये न्यू मून जो आज है उसकी वजह से काफ़ी हैवीनेस कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स को फील हो रहा है। जब भी कोई पावरफुल शिफ्ट होता है वो मिस सिचुएशन लिए हो सकता है, क्योंकि आप इसको देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, जब भी आप कहीं शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी बहुत डिसऑर्डरनेस अनकंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे वो रूम आप रूम किसी से शिफ्ट कर रहे हो या आपने अगर किस कुछ दिन के लिए होटल में आप रह रहे हो कहीं जाके बाहर जाके, या आप अपना फ्लैट चेंज करें या रेजिडेंस चेंज करो या आप कहीं भी, तो थोड़े दिन के लिए आपको डिसऑर्डरनेस अनकंफर्टेबल ज़रूर फील कराएगा, मैसी सिचुएशन ज़रूर फील कराएगा। तो ये शिफ्टिंग
इक्विनॉक्स की शिफ्टिंग जो 23 सितंबर को गई, उसकी वजह से एक हैवी एनर्जी बनी हुई है। और साथ ही जो आज न्यू मून है, इसलिए आज के दिन मेडिटेशन करना ना भूलें। अगर आप बालकनी में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी जगह पे एक आप शांति से जहाँ पे आपको मिले वहाँ पे मून मेडिटेशन ज़रूर करें। मून तो क्योंकि इस फेज में आप मून मेडिटेशन अगर करेंगे, अगर आपको तभी आप हैवीनेस की वाली एनर्जी से तुरंत उसको हील और तुरंत उस हैवीनेस वाली एनर्जी से आप स्विच कर पाएंगे, नहीं तो। और ये जो हैवीनेस वाली एनर्जी है ये एक दो दिन और रहेगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये कल से और मध्यम होती जाएगी और धीमी होती जाएगी, ऐसा नहीं है ये आज भर रहेगा। हो सकता है कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए ये कल या परसों तक ये रिस्ट्रेन करे, ये हो सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं। अच्छा, इसके साथ ही साथ थोड़ा बॉडी टेम्परेचर हाई हो सकता है, फीवरिश जैसा आप लोग को लग सकता है। डीएम और डीएफ आप दोनों को ही ये बताया जाता है कि किसी भी टाइप का कोई एडिक्शन है तो उसे अपने से प्लीज दूर करें। आपको स्क्विरल्स, टर्टल्स, बटरफ्लाइज दिख सकते हैं इस दौरान। क्राउन चक्रा में हैवीनेस फील हो सकता है, थोड़ी देर के लिए पैनिक अटैक जैसा भी लग सकता है, तो इसलिए आप घबराएंगे नहीं। ये था मेरा छोटा सा आज का वीडियो, क्योंकि मुझे जब मैं आफ्टरनून मेडिटेशन में बैठी थी मुझे ये लगा कि आपको ये बताना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा, क्योंकि ये एनर्जी अपडेट में ज़्यादा हर रोज़ या फ्रिक्वेंट देना नहीं पसंद करती, क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसको रोक रही थी, मैं आज इसको नहीं देना चाह रही थी। लेकिन मुझे जब कन्फर्मेशन मिला नहीं आपको डिलीवर करने के लिए, ये डिवाइन ऑर्डर मुझे आया, तब मुझे लगा कि नहीं ये आपको, दिस एनर्जी इज ओनली फॉर यू, आई नीड टू बी सर्टेनली नीड टू डिलीवर, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना के आपको दे रही हूँ एनर्जी अपडेट पे। काफ़ी ट्विन फ्लेम्स को कलेक्टिव में काफ़ी ट्विन फ्लेम्स को हैवी एनर्जी लग रही है, और आपके मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं। बहुत आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर डालते हैं कि मैम ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ, आप लोग के पोजीशन में मैं भी कभी थी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन घबराइए नहीं। हाँ, हैवी एनर्जी कलेक्टिव में है, इससे हम लोग इम्पैस भी अनटस्ड नहीं है, हैवी एनर्जी है, तो हम जब हम लोग को वो अनटस्ड हम लोग नहीं है, तो आप लोग जो अभी इवॉल्विंग है, नॉट अ प्रॉपर इवॉल्व, तो आप लोग तो परेशान थोड़ा बिल्कुल होंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये शिफ्टिंग फेज है, ये फेज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल डिसबैलेंसिंग दे जाएगा, थोड़ी बहुत रोना और पर्जिंग सिचुएशन बिल्कुल बना रह सकता है। हैवीनेस लगेगा, हार्ट में हैवीनेस लगेगा, बहुत एक खिंचाव जैसा हार्ट में आपको 100% लगेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ ये सिचुएशन आज के बाद से मध्यम होना शुरू हो जाएगा, और मैक्स टू मैक्स ये परसों तक ये सिचुएशन बनी रहेगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सबको, अगर जो भी मुझे मैसेज भी किए हैं देन एंड देयर, मैं मैसेज का आंसर तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा मेडिटेशन रहता है, आज संडे भी है तो फैमिली टाइम भी है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसीलिए वीडियो बना के दे रही हूँ। यस, कलेक्टिव में वेरी, दिस इज अ वेरी इंटेंस हैवी एनर्जी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए, आप सबको कल की नवरात्र के, जो नवरात्र कल से शुरू हो रहा है, माँ दुर्गा का, जो माता रानी का कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, उसके लिए ढेरों ढेर सारी सबको ईश्वर करे, माँ शक्ति, माँ दुर्गा करे, आप सबको सबकी मनोकामना बहुत बहुत जल्द पूरी हो, और आप इसी तरह से बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएं। ईश्वर की आराधना ज़रूर कीजिएगा, उस शक्ति रूपा माँ को ज़रूर आप नमन करेंगे। कल नवरात्र कल से शुरू हो रहा है, इसलिए आप सभी को, डियर सोल ब्रदर्स, डियर सोल सिस्टर्स, आप सभी के लिए ढेरों नवरात्रि की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सबकी
बहुत बहुत आप सबको ब्लेसिंग्स मिले उस परम शक्ति माँ की। और इसके साथ ही साथ मैं भी कुछ दिन अब बिजी ही रहूँगी, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन हाँ, कल हो सकता है नहीं बनाऊँ, क्योंकि कल मेरे भी यहाँ कलश स्थापना और ये सब होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत खुश रहिए आप सब ढेरों ब्लेसिंग्स के साथ। मैं इजाज़त चाहूँगी आप सबका। ओम नमः शिवाय।